हरे कृष्णा सही बच्चों को। तो बच्चों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट हम कैसे याद करें विथ देयर एटॉमिक नंबर इन 2 मिनट्स। अगले 2 मिनट में मैं आपको एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट याद करवा दूंगा विथ देयर एटॉमिक नंबर, ये मेरी गारंटी है। बस आपको करना क्या है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो चलिए बच्चों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ बेसिक की, वो बच्चे जो 10th से 11th में आए हैं इनका हमारे पास चैप्टर नंबर 3 होता है केमिस्ट्री में, तो उसमें हमारे पास है पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो पीरियोडिक टेबल को, तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो पहला आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 हमारे पास होता है एस ब्लॉक के एलिमेंट। तो आज हमें यही पढ़ना है और हमें यही याद करना है। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे याद करेंगे हम ग्रुप 1 ग्रुप 2 मतलब एस ब्लॉक के एलिमेंट को। एक्रोनिम है, बहुत ही इजी है, एक बार सुनोगे आपको याद हो जाएगी, आपके जहन में बैठ जाएगी, ऐसा हमारे पास एक्रोनिम है। जल्दी से देखते हैं यहां पे, हेलीना की रब से फरियाद, साथ में बोलो मेरी याद हो जाएगा आपको, हेलीना की रब से फरियाद है ना एक सॉन्ग, हेलीना की रब से फरियाद। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो ये से है हमारे पास हम लिखते कैसे हैं, एस ई से हम से लिखते हैं, बट इस ग्रुप में हमारे पास जो से होगा हम लिखते हैं उसको सी एस। यहाँ पे हमारे पास सी एस होता है सेंशियम, क्या होता है बच्चों, सेंशियम। तो जल्दी से हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, हेलीना की रब से फरियाद। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेंशियम, फ्रेंशियम, है ना, बहुत ही ईजी। नेक्स्ट ग्रुप याद करते जल्दी से, हमारे पास क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, क्या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, क्या आपने अपने पापा से स्कूटर मांगा तो राजी हुए, नहीं हुए, बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे हमारे पास बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, रेडियम, बहुत इजी हमारे पास है। अब ये तो हमारे पास याद सीख लिया कि हम कैसे यहाँ पे याद करें एक्रोनिम के साथ। अब हमें याद करना है कि इन सभी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर क्या होने हैं, कैसे हम याद करें इन सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास है। तो ये याद करने के लिए आपको एक नंबर याद होना चाहिए जिसे बोलते हैं मैजिक नंबर। क्या बोलते हैं हम, बिल्कुल सही सुना आपने, तो इसे बोलते हैं मैजिक नंबर। ये मैजिक नंबर क्या है, तो ये बहुत ही अच्छा एक नंबर है, जल्दी से देख लेते हो क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास 2, 8, 8, 18, 18 और 32, इसे बोलते हैं मैजिक नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है हमारे पास। इस नंबर से आप कोई भी एलिमेंट हो आप उसका एटॉमिक नंबर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए कैसे करेंगे जल्दी से कैलकुलेट, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपके पास जो हाइड्रोजन है हमें ये पता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 1 होता है, हमें इतना पता है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो हमारे पास पहला नंबर क्या है, तो 2 है, तो इसमें आपको क्या तो प्लस 2 करना है, तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो लिथियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है जी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते बच्चों यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है, तो 8 है, 3 में हमने प्लस 8 किया तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 11। और हमारे पास जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 11 होता है, भाई साहब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अगर हमें 11 में प्लस 8 कर दें तो कितना होगा हमारे पास, 19 आया ना हमारे पास पोटेशियम का, जो हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है, तो 19 है। अब हमें क्या ऐड करना है, दो बार हमारे पास 8 हो गया, अब हमें ऐड करना है दो बार 18। यहाँ पे हमने 18 ऐड किया तो हमारे पास जो रूबीडियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 18 को डबल करो यहाँ पे हमारे पास 36 प्लस 1 37, तो रूबीडियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 37। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इसमें प्लस 18 करो कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 इसमें ऐड कर दिया हमने तो 57 हमारे पास, 2 माइनस तो 18 हमारे पास ऐड हो गया तो 55। तो सेंशियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना हो गया, तो 55। इसमें आपको वापस 32 अब ऐड करना है, क्यों, लास्ट में हमारे पास नंबर क्या है, 32, आपने यहाँ पे 32 ऐड किया तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 85, और यहाँ पे हो गया हमारे पास 87। तो जल्दी देखो यहाँ पे हमारे पास पहले तो हमारे पास 1, फिर हमारे पास 3 ऐड किया, नेक्स्ट हमारे पास 11, 19, 37, 55 और 87, है ना, बहुत ही ईजी। बस एक पकड़ो और इसमें ये नंबर ऐड करते जाओ, सारे आपको एटॉमिक नंबर मिलते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इसमें हम जोड़ते हैं, तो पहला हमारे पास जो ग्रुप था हाइड्रोजन वो हमारे पास किस में आता है, तो ये आता है हमारे पीरियड 1 में। यहाँ पे हमारे पास ये नंबर किसके हैं, तो पीरियड्स के हैं हमारे पास नंबर। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे पीरियड में आप ऐड करते जाओगे तो आपको नेक्स्ट पीरियड का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर आपको पता चलता जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या, यहाँ पे हमारे पास पहले पीरियड में कोई एलिमेंट है, तो नहीं है जी, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऐड नहीं होगा, हमारे पास ऐड होगा क्या,
8। तो यहाँ पे हमारे पास बेरिलियम, हमारे पास जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो 3 है। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब वो करना क्या है, यहाँ पे आपको 4 में 8 जोड़ना है, हमारे पास प्लस 8 कर दिया तो यहाँ हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। मैग्नीशियम 12 होता है, 12 में आप प्लस 8 करोगे तो कितना हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 20। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इसमें 20 के बाद हमारे पास ऐड करना है, तो 2 बार 8 हमारे पास हो चुका है, अब हमें ऐड करना है तो 18 कितना हो गया हमारे पास, ये 36 38 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास हम ऐड करेंगे क्या, 1 बार 18 हो गया, 1 बार और 18 बाकी है हमारे पास, हमने फिर से 18 ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया बेरिंग का, तो 56। अब हमें ऐड करना है 32, अब हम इसमें ऐड करेंगे 32 हमारे पास, जो रेडियम का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो कितना आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 88। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड ग्रुप का एस ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 4 हमारे पास आ गया, 12 आ गया, 20 आ गया, 38 आ गया, 56 आ गया और 88 हमारे पास आ गया। तो ऐसे आप एस ब्लॉक के एलिमेंट को आप ईजिली याद कर सकते हो, क्या है हमारे पास, हेलिना की रब से फरियाद हमारे पास 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। आपको ऐसे करना है, मैजिक नंबर आपको याद हो ही गया है, साथ में बोलो मेरे साथ 288, पहले हमारे पास 2 है, फिर 8, 8, 18, 18 और 32, ये आपको याद करना है और बाकी सारी चीज़ें आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बच्चों आप अगर क्लास 11th क्लास 12th में हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसमें आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ और आपको क्लास नोट्स भी उस ग्रुप में मिल जाएंगे। तो बच्चों आपको उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके प्यार दिखा दो और अपनी प्यारी प्यारी बातों से, अच्छी अच्छी बातों से कमेंट बॉक्स को भर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।